ओके तो फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो इस यूनिट में हमको जो पढ़ना है पहले उसको पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो है डेफिनेशन ऑफ साइंस एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, पहले इन दोनों को क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद हमको इसमें आगे पढ़ना है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड फंडामेंटल फोर्स, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में मतलब फिजिक्स कौन कौन से ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, मैकेनिक्स होता है, ठीक है। तो मैकेनिक्स में हमको क्या पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑप्टिक्स भी एक ब्रांच है, इस सब में क्या क्या पढ़ना होता है, किसके बारे में स्टडी करना होता है, ये सब हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा है, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ, जैसे फिजिक्स जो है वो साइंस का एक पार्ट है, ठीक है। साइंस डिपार्टमेंट डिवाइडेड है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो साइंस का पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो होता है क्या, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एंड फंडामेंटल नॉलेज, ठीक है, ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। अब इस लाइन का मतलब देखो, अब किसी भी चीज़ को हम एनालिसिस करके देखते हैं तो उससे जो हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसको हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ क्यों हुआ और कितना हुआ। जैसे अगर कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको पीछे से आगे फोर्स लगाते हो, उसे फोर्स लगाते हो तो ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी के साथ कुछ डिस्टेंस तक जाता है, ठीक है। अब आपने ऑब्जर्व किया कि इस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो एक वेलोसिटी के साथ इतने डिस्टेंस तक गया, ठीक है। चलो ठीक है, पहली बार हुआ, फिर से उस पर फोर्स लगाए फिर तो उतने डिस्टेंस तक गया। तो ये जो बार बार उसको फोर्स लगा रहे हो इसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट, ये कितने डिस्टेंस पे जा रहा है या कितने वेलोसिटी के साथ जा रहा है ये आप देखिए, इसको कहेंगे ऑब्जर्वेशन। और बार बार ये उतने डिस्टेंस पे जा रहा है या अलग अलग जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ को आप वेरीफाई करते हो, इसको कहते हैं वेरीफिकेशन। तो साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज, ठीक है, ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरीफिकेशन। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया। अब उसे फिजिक्स क्या है, ठीक है, ये तो हम लोग साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब फिजिक्स इसमें क्या है, फिजिक्स इज नॉलेज ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना। नेचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे झरने में पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पानी नीचे क्यों गिर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो नेचर है उसमें नॉलेज हम लेते हैं और क्यों होता है फिनोमिना, ठीक है, इस पीछे क्या रीज़न है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं फिजिक्स के थ्रू, ठीक है। कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, प्रेशर कम हो रहा है तो किसी भी लिक्विड वेलोसिटी कम क्यों हो जाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है फिजिक्स के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच क्या क्या है। ओके, एक चीज़ आप लोगों को कहना भूल गया, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आपको अपनी कॉपी में नोट करते जाना है इन सब चीज़ों को, ठीक है। आपको कुछ चीज़ अगर नहीं लिखना हो तो मैं बताते हुए बता दूँगा, इसको आप लोग छोड़ दो, ठीक है। अभी दो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, सबको एज इट इज लिखना है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं वो क्या क्या है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एकॉस्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, लाइट एंड ऑप्टिक्स, रिलेटिव थ्योरी, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। ये सारे जो हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं। अब इनको इन्हें हमको पढ़ना क्या के बारे में, ये चीज़ समझ लेते हैं। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स हमको चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, जनरली आप जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ों को, फोर्स, ये सब चीज़ों के बारे में मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इट डील्स विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, ठीक है। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स आप हीट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इट डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब जो कन्वर्जन ऑफ हीट, ठीक है, जो हीट आप, जैसे आपकी बाइक है, आप पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल में फिर पेट्रोल से उसमें हीट जनरेट होती है, हीट के थ्रू उसमें मैकेनिकल वर्क जनरेट होता है। तो ये जो पूरे फिनोमिना है इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अकॉस्टिक्स एंड वेव्स, तो अकॉस्टिक्स क्या होता है, जनरली आपके घर में जो साउंड वेव ट्रैवल करती है तो उसके बारे में हमको जो पढ़ना होता है अकॉस्टिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। और साउंड जो है एक वेव का फॉर्म है, तो वेव के बारे में इस ब्रांच में पढ़ना होता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इस ऊपर से क्या समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ना ही है, साथ ही मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, मोबाइल का सिग्नल आपके पास जिस तरह से किस वेव के थ्रू आता है, वो ना तो इलेक्ट्रिकल वेव होती है ना मैग्नेटिक वेव होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। तो इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट या ऑप्टिक्स को भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको समझ में आ ही गया होगा, लेंस, मिरर, ये सब चीज़ या लाइट के फिनोमिना के बारे में जो हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स या लाइट में पढ़ेंगे। इन दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स वी स्टडी अबाउट नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लेंस एंड मिरर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्या ये सब आप लोग ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, ऊपर जो ऑप्टिक्स वगैरह है, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये सब लेंथ में है। रिलेटिव थ्योरी, अब रिलेटिव थ्योरी में क्या होता है, एक चीज मूव कर रही है, दूसरी अगर कॉन्स्टेंट
स्टडी, तो उसकी वेलोसिटी जो कांस्टेंट स्टडी है वो देखेगी बहुत स्पीड से मूव करेगा, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन मूव कर देंगे तो कंपैरेटिवली दोनों में एक डिफरेंस आ जाता है। तो रिलेटिव थ्योरी में इस चीज को, इन दिस ब्रांच वी डील्स विद पार्टिकल विद व्हिच आर मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट और कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन चीजों पर पार्टिकल बारे में स्टडी करते हैं, लाइट की स्पीड से मूव कर रहे हैं। न्यूक्लियस जैसे बात है, न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उनके कैसे बनते हैं, उनका फिनोमेना क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में। इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियस एंड इट्स प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है, या न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब चीजों के बारे में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब पार्टिकल फिजिक्स, अब पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या डिफरेंस होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, एटम में उसका एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स जिनसे जिन पार्टिकल से एटम मिलकर बना होता है उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द अल्टीमेट पार्टिकल फ्रॉम व्हिच मैटर इज मेड, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, ये क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसके बिहेवियर के बारे में बात करता है, इट डील्स विद मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो जितने भी ब्रांचेस आपको पता चलेगी अब इसको आपको एज इट इज लिख लेना है, ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया आपको लिखते जाना है, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अगला है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। अब होता है क्या कि हमको तो बहुत सारे फोर्स पता है, ग्रेविटेशन फोर्स पता है, मैग्नेटिक फोर्स पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है, फंडामेंटल फोर्स मतलब नेचर में ना सिर्फ चार टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बाकी सारे फोर्स इसी में इसी का एक पार्ट होते हैं। तो फंडामेंटल फोर्स जो है सिर्फ चार है, ठीक है, कौन कौन सा, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, बस चार टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसका कोई फोर्स नहीं। अब इसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लिया, फिर मैं एक बार बता देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ड्यू टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अ फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट एक मास होता है जिसके कारण दो पार्टिकल के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, ये जो फोर्स रहता है जो दोनों ऑब्जेक्ट के मास है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, उसका एज इट इज लिख लेना है, डायग्राम आपको बना के दिया हुआ आपको बस नोट कर लेना है। इसमें जी की वैल्यू जो होती है 6.67 × 10⁻¹⁺ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इस वैल्यू को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते रहता है। आगे ग्रेविटेशन फोर्स का और समझ लेते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड एनी मीडियम, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स जो इस मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, दो ऑब्जेक्ट को आप हवा में रखो तो भी उतना ही फोर्स लगेगा, पानी में रखो तब भी उतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक फिक्स डिस्टेंस पे ही अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो काम करेगा, बहुत डिस्टेंस करते हो तो उसमें काम नहीं करेगा, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स बहुत लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स होता है, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर आप मैग्नेट लेते हो, अगर दोनों पोल सेम नॉर्थ नॉर्थ है एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, चार्ज दो टाइप का, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, आई मीन कि अट्रैक्शन या रिपल्सन टाइप का जो फोर्स लगता है इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, और चार्ज बॉडीज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 सेपरेट्स बाय डिस्टेंस ऑफ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, फोर्स जो है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सेम वही चीज, उसमें मास है इसमें Q1 Q2 है, ठीक है। इसमें जो कांस्टेंट यूज करते हैं उसमें कांस्टेंट g यूज करते हैं, इसमें कांस्टेंट हम लोग k यूज करते हैं जिसको हम कूलॉम्ब कांस्टेंट बोलते हैं, की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर, ठीक है, उसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁺ थी, ठीक है, और इसकी 9 × 10⁹, ठीक है। व्हेन चार्ज मूविंग इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, अब अगर चार्ज स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, हेंस चार्ज रिप्रेजेंट बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, हेंस फोर्स बिटवीन चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड करता है, अगर आप एयर में रख रहे हो तो उसका फोर्स अलग होगा,
बीच में सब्जेक्ट रख देते हो, ऑब्जेक्ट रख देते हो, सपोज बीच में आपने कुछ भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया तो उसका फोर्स कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव फोर्स, बता चुका हूँ। फोर्स इज ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका लॉन्ग रेंज बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10^36 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ में आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स एक मतलब वीक फोर्स है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे, ठीक है, 10^36 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये उसका डेरिवेशन है, ये आप लोग देख लोगे ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स एमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। अब एक न्यूक्लियस है उसमें जैसे मतलब जब भी डिकम्पोज होगा, ठीक है, तो उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, तो इसके कारण जो फोर्स जनरेट होगा डीके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का फोर्स होल्डिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिस फोर्स के आपस में अटैच है उसको पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ग्रेविटेशन फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनमें क्या क्या वैल्यू होती है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स 1 है कहीं पे तो उसके बीच में वीक न्यूक्लियर फोर्स 10^25 होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10^36 होगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10^38 होगा। अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करूँ तो 1:10^38, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मतलब फंडामेंटल फोर्सेस तक आज क्लास होगी, ठीक है। तो यहाँ कॉपी में आप एज इट इज लिख लेना, आगे क्लास में फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं वो दो में डिवाइड होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड, तो ये सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, थैंक यू क्लास।